हेलो बच्चों, ज़्यादा टाइम तक रिटेन रखने के लिए ये तो हर टीचर कहता है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि बने बनाए नोट्स या प्रिंटेड बुक से अगर देखकर ही पढ़ना हो तो फिर वो हमारे पास दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन नहीं रहता। तो अगर रिटेंशन रखना है और एग्ज़ाम तक चीज़ों को याद रखना है हमें, तो हमें अपने नोट्स खुद बनाने आने चाहिए, क्योंकि जब हम अपने सेल्फ स्टडी करते समय नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहते हैं और एग्जाम में भी वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए और किस तरह से आप अपने नोट्स को और बेहतर ढंग से बनाकर अपने एग्जाम्स में बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो बच्चों, जितनी भी बातें मैं शेयर करूंगा आपके साथ वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो सीखी हैं और जिन्हें मैं खुद फॉलो करता था एज अ स्टूडेंट, वो सारी चीजें मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो सबसे पहले बच्चों, आप जितने भी सब्जेक्ट्स अपने पढ़ते हैं तो मैं मान लेता हूं कि आपके सब्जेक्ट्स या तो थ्योरी बेस्ड होते हैं, थ्योरी बेस्ड का मतलब है जिसमें थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ता है या समझना ज्यादा पड़ता है और लिखने का काम ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, या हो सकता है कई बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हों। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको हम प्रैक्टिकल कह देते हैं, यानी कि जिसमें आपको थ्योरी पोर्शन कम, यानी कि रटने का काम कम, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का काम ज्यादा रहता है, तो उनको हमने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया। तो अब जो हमें सीखना है कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो एंटायरली इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस तरह का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अप्रोच अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग रहेगी। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि अगर हम थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, तो फिर इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं किस तरह से नोट्स प्रिपेयर करता था। सबसे पहली चीज तो बच्चों, कुछ चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं नोट्स बनाता था तो मैं अपने पास कुछ अलग अलग रंग बिरंगे हाइलाइटर्स रखता था। जैसे आप ऑरेंज कलर, फ्लोरेसेंट कलर या कोई भी अपने मन पसंदीदा दो तीन कलर के हाइलाइटर्स रख सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने पास कुछ स्टिकी नोट्स रखता था। मैं आपको सबका यूज बताऊंगा अभी कि कैसे इनका यूज करना होता है। और इसके अलावा आप रजिस्टर तो लेंगे ही लेंगे। अब करना क्या है, जब भी हम कोई इंग्लिश या बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स का कोई नोट्स बनाना चाहते हैं किसी चैप्टर का, तो मैं क्या करता था, पहले मैं चैप्टर के पीछे के जो बैक क्वेश्चंस होते थे उन्हें एक बार जरूर रीड करता था। क्योंकि जब हम एक क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो हमें एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि इस चैप्टर में वो कौन कौन सी चीजें पूछ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि बैक क्वेश्चन में वो फियोल का कोई ये प्रिंसिपल बार बार पूछ रहा है, या वो आपसे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, या वो आपसे लिमिटेशन पूछ रहा है। तो अब आपको पता लग जाता है कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंस भी पूछी गई है, लिमिटेशन भी पूछी गई है, ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे गए हैं। तो आपको ये चीज सबसे पहले क्लियर हो जाती है कि आखिर चैप्टर में पूछा क्या क्या जा रहा है। और हमेशा जब हम क्वेश्चंस पहले रीड करते हैं तो क्वेश्चंस आपको क्यूरियस बनाते हैं, आपके मन में क्यूरियोसिटी जगाते हैं कि अच्छा ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है। तो जब आप अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो या नोट्स बनाना स्टार्ट करते हो तो आपको मजा आता है, आपके अंदर से वो एक आंसर देने वाली भावना जागती है कि ये चीजें मेरे से पूछेगा तो ये देखो मैंने पहले से ही इसके आंसर्स लिख लिए। तो मैं हमेशा बैक क्वेश्चंस जरूर पढ़ता था, ऐसा नहीं कि सीधा चैप्टर लिया और मन गढ़ंत कुछ भी नोट्स बनाने शुरू कर दिए। क्वेश्चंस पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपके पास अगर कोई भी रेफरेंस बुक है तो आप एक रेफरेंस बुक को बिल्कुल अच्छे से एक बाइबल की तरह फॉलो कीजिए। ज्यादा लगे, बहुत ज्यादा लगे तो ज्यादा से ज्यादा दो बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आजकल मार्केट में जितनी भी बुक्स आती हैं वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं। तो आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो और उसी को थॉरोली आप फॉलो करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप थ्योरी सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाते हैं तो नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाना है, आपको कलरफुल बनाना है, ताकि आपको बनाते समय मजा आए, बाद में उसको रिवाइज करने में मजा आए। और जितना आप नोट्स बनाते समय इंटरेस्ट लेकर बनाएंगे वो आपकी मेमोरी में उतना रिटेन रहेगा। अब उसे करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, देखो दो चीज जो मैं फॉलो करता था। हम अपनी स्टडी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या तो फ्लो चार्ट्स या टेबुलर फॉर्मेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में उसने बोला कि तीन बात होती है, तो आप इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना लो। किसी पर्टिकुलर चीज में उसने बोला कि इसके चार मेन पॉइंट्स होते हैं,
तो आपने उसके अंदर चार इस तरह के मेन पॉइंट्स बना लिए। तो आपको सिर्फ फ्लो चार्ट पर या टेबुलर फॉर्मेट पर ज्यादा फोकस करना है। अब आप टेबुलर फॉर्मेट का कैसे प्रयोग कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, अब उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ऑब्जेक्टिव्स भी याद रखने हैं, आपको इंपॉर्टेंस भी याद रखनी है, आपको लिमिटेशन भी याद रखनी है, तो आपने इस तरह का एक टेबुलर फॉर्मेट बना लिया, ऑब्जेक्टिव्स यहां लिख लिए शॉर्ट में, इंपॉर्टेंस यहां लिख ली, लिमिटेशन यहां लिख लिया। आप अपने आप को इस तरह से नोट्स बनाने के लिए लगाओ जैसे आप एग्जाम में चीटिंग करने के लिए कोई फर्रा बना रहे हो, ऐसे सोचो। क्योंकि जब हम फर्रा बनाते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है कि सबसे छोटी से छोटी पीस ऑफ पेपर पे हम लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन डाल सकें, तो यही नोट्स का काम है। तो आप जब ये नोट्स बनाएं तो बैक ऑफ द माइंड इस तरह रखें कि मैं एक फर्रा तैयार कर रहा हूं, और वो फर्रा जो है क्योंकि आपने बनाया है तो आप अपने आप समझ भी जाओगे, हो सकता है कोई और आपका नोट्स देख के ना समझ पाए, डजेंट मैटर। तो आप जब नोट्स बनाओ तो किताब से पढ़ के जितनी भी रेलिवेंट चीजें होती हैं, मेन कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप कोई टॉपिक की हेडिंग पढ़ते हो, जैसे आपने कुछ भी पढ़ा लिमिटेशन, तो उसको सोचो कि इसका मतलब मैं इसमें कुछ बुराइयां पढ़ने जा रहा हूं, खामियां पढ़ने जा रहा हूं, तो आपको रेलिवेंस चीजों पर ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है, जो उसका मेन कंटेंट होता है उन्हीं मेन बातों को, मेन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में राइट डाउन करो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही एज इट इज बुक का चेपना है, फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप उन चीजों को लिखो जिन्हें खुद देखकर आपको बाद में रिटेन रहे कि ये इसकी मेन चीज थी, बाकी लैंग्वेज तो मैं अपनी भी बना के लिख सकता हूं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत कम बच्चे करते हैं, इंडेक्सिंग, लेबलिंग और ये स्टिकी नोट्स, ये कैसे काम में आते हैं। जब आप पहली बार किसी चैप्टर के नोट्स बनाते हो तो आपको लगता है कि ये मैंने जो लिख लिया या नोट्स बना लिए, ये बिल्कुल सुप्रीम है, बेस्ट है। लेकिन जब आप बाद में सेकंड टाइम पढ़ते हो या किसी दोस्त से डिस्कस करते हो या आपने स्कूल में कोई टेस्ट दिया, एग्जाम दिया, कोई नया क्वेश्चन आया, नया पॉइंट मिला, तो आप वो नया पॉइंट सोचते हो चलो ठीक है मैंने पढ़ लिया, लेकिन वो भी अब आपको नोट्स में ऐड करना है। तो बहुत सी बातें, और ये हमेशा होगा, पहली बार नोट्स कभी भी परफेक्ट नहीं बनेंगे, वो हमेशा इम्प्रोवाइज होते रहेंगे। तो आपके वो जो एड ऑन्स इम्प्रोवाइजेशन होंगे, उन्हें आप स्टिकी नोट्स के थ्रू अपने बने हुए नोट्स में चिपका चिपका के एड ऑन कर सकते हैं। तो एक तो वो स्टिकी नोट्स आपको अलग से दिमाग को लेके जाएंगे बाद में भी कि ये मैंने बाद में ऐड करा था, इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और आपके नोट्स हमेशा परफेक्ट बने रहेंगे। इसी तरह इंडेक्सिंग, जब भी आप कोई नोट्स बनाए तो अपने रजिस्टर के पहले पेज पे जहां आपको इंडेक्स दे रखा होता है उसका यूटिलाइजेशन जरूर करें। अपने रजिस्टर पर पेज नंबर मार्क करें और इंडेक्स में हर टॉपिक का पेज नंबर जरूर मेंशन करें, ताकि एग्जाम से पहले जब आपको रिवीजन करना हो तब ये नहीं कि आपको पूरा रजिस्टर ऐसे घुमाना पड़ रहा है कहां है टॉपिक, तो आपको फटाफट इंडेक्स में दिख जाएगा कि ये है पेज नंबर 68, ये टॉपिक है पेज नंबर 42। तो इंडेक्सिंग करना बहुत जरूरी है। और अगर आप थोड़े से और माहिर हो जाओ तो आप लेबलिंग भी कर सकते हो। लेबलिंग को मैं इस्तेमाल करता था हाइलाइटर्स के साथ, तो मैंने अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कलर के हाइलाइटर्स हैं, तो मैंने पहले से तय कर लिया था कि येलो कलर वाला जो है वो मैं रखूंगा, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो बिल्कुल मेन पॉइंट होता है, वो तो एग्जामिनर सबसे पहले ढूंढेगा। फिर मान लो मेरा दूसरा कलर का कोई ऑरेंज कलर का हाइलाइटर है, वो मैं रखता था कि ठीक है मेन कंटेंट तो हो गया, अब वो अंदर के जो पॉइंट्स हैं उसमें कोई कीवर्ड है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे टीचर्स या हमारे ट्यूशन टीचर बताते हैं पढ़ाते समय, तो उसको मैं ऑरेंज कलर कर दूंगा। और इसी तरह मैंने कोई और कलर भी रख लिया, मान लेते हैं ब्लू कलर का हाइलाइटर, वो किसी और पर्पज के लिए रख लिया कि भाई ये मैं सिर्फ जो लास्ट मोमेंट पे मुझे चीजें रटनी है या रीड करनी है, कोई डेटा पॉइंट है, उसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर लूंगा। तो हम इस तरह से लेबलिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे अपने नोट्स के बारे में पता होगा कि कब मुझे येलो पढ़ना है, कब मुझे ब्लू पढ़ना है, किन चीजों पर मुझे ऑरेंज पढ़ना है, और इससे आपके नोट्स भी सुंदर बन जाते हैं और कलरफुल बन जाते हैं। तो अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो और अब आप थ्योरी सब्जेक्ट में इन बातों को ध्यान रख के अपने नोट्स बनाओगे, तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपके मार्क्स भी इससे जरूर इंक्रीज होंगे। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपके मेनली होते हैं अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स या जो भी बच्चा अगर इस तरह के प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स पढ़ता है। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, सबसे मेन चीज है फॉर्मूलेज, खासकर मैथ्स में। तो मैथ्स में तो आपको पता ही है और हर टीचर बोलता ही है कि आप एक फॉर्मूला कॉपी अलग से बनाओ,
सिमिलरली अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो उसमें भी आप कॉन्सेप्चुअल रजिस्टर या कॉन्सेप्चुअल कॉपी अलग से बनाओ, यानी कि उसमें आपने सबसे पहले अपने फॉर्मूले लिख लिए हर चैप्टर के, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर में आपको पता ही होता है, और कई बार तो बुक्स में स्टार्टिंग में दे रखा होता है कि ये सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हैं, तो उनको आप जरूर अपने हाथों से एक बार जरूर लिखें। अब हमने फॉर्मूले लिख लिए, अब इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, कई बार अकाउंटेंसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो फॉर्मूलों से हटकर होते हैं। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले तो सबको आते हैं, लेकिन इतने सारे चैप्टरों के अंदर अलग अलग क्वेश्चनों में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसकी स्टार्टिंग करने में आपको ट्रिक अप्लाई करनी पड़ती है, कहीं पर फैक्टराइजेशन करना है या कहीं पर कुछ और ट्रिक लगानी है, तो ये सब ट्रिक्स आपको लिखनी चाहिए, ये बहुत हेल्प करती हैं। इसी तरह अकाउंटेंसी, उसमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का एक अलग इंटरप्रिटेशन होता है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर लिखने चाहिए, क्योंकि खाली कॉन्सेप्ट लिख लिया, फॉर्मूले लिख लिए, वो तो ठीक है, वो तो सबके पास है, पर हर चैप्टर के कुछ 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 क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, तो जब भी आप वो स्टडी करते रहो, खासकर जब मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो मैं हर क्वेश्चन में मार्क करवाता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सितारा बना लो, यहां पर ये लैंग्वेज का ये मतलब है, वो सब बातें आप भी नोट करा करो अलग से, ताकि आपको बाद में हेल्प मिले। तीसरी चीज जो बताता हूं, बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जब भी आप अपनी रिवीजन करते हो तो कोई भी बच्चा ये नहीं रिवाइज करता कि मैंने पहले क्या गलतियां कर रखी हैं। अब जब आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते हो, होमवर्क करते हो, पढ़ाई करते हो, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आप कुछ गलतियां करते हो, कुछ भी हो सकती है। मैथ्स में मान लो आपने कोई स्टेप गलत लगा दिया, आंसर गलत आ गया, अकाउंट्स में मान लेते हैं आपने कोई डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी कुछ कुछ मिस्टेक्स जो आपने करी हैं उन्हें भी जरूर लिखा करो। जब आप अपनी मिस्टेक्स लिखोगे और बाद में अपनी मिस्टेक्स को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे कि अच्छा मैंने ये कर दिया था, मैंने ये स्टेप लगाया था और ये गलत था, तो आपको मिस्टेक ज्यादा याद रहती हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम वो सेम क्वेश्चन है, उस वैरायटी का सेम क्वेश्चन करोगे तो वो मिस्टेक आप नहीं करोगे। तो ये ट्रिक जो है ये आपको काफी मदद करेगी, तो आपके पास एक ऐसा रजिस्टर तैयार हो जाएगा जिसमें आपके फॉर्मूले हैं, आपकी सारी गलतियां हैं, आपके सारे ट्रिक्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर एक ही सॉल्यूशन है, इसका कोई तोड़ नहीं है, और वो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। क्योंकि चाहे अकाउंट्स हो चाहे मैथ्स हो, आप जितना मर्जी फॉर्मूले रट लो, कॉपियां बना लो, कॉन्सेप्ट बना लो, ट्रिक्स याद रख लो, पर उसमें आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी हाथ चलाने ही पड़ेंगे। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वही आपके लिए एकमात्र सॉल्यूशन है। तो ये था बच्चों हमारी तरफ से इस छोटे से वीडियो में कि किस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हो, उन्हें इंटरेस्टिंग कर सकते हो, और आप मुझे प्लीज कमेंट करके ये भी बताना कि आप नोट्स बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखते हो, या अगर आप भी नोट्स बना रहे हो तो किस तरह से आप नोट्स बनाते हो और क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल करते हो। और बाकी मुझे ये भी बता देना जरूर से कि नोट बनाते समय आपको किसी और तरह की अगर दिक्कत फील होती है तो हम उस पर भी अगले टाइम आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे। और बाकी अपनी रेगुलर पढ़ाई बच्चों जरूर करते रहना मेरे साथ, जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, और जो भी बातें मैं आपको सिखाता हूं उसको सीरियसली फॉलो करना। मेरे पास एक क्वेरी सबसे ज्यादा आ रही है कि सर हम अगर आपकी यूट्यूब चैनल को फॉलो करें तो क्या हमारे मार्क्स आ सकते हैं 95 या 100? तो बच्चों बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आपको फिर से आश्वासन दे रहा हूं कि अगर आप रिलीजियसली मेरी प्लेलिस्ट्स को फॉलो करोगे और जो भी बातें, जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनको आप डेडिकेटेडली मेरे साथ साथ अगर करते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपके मार्क्स 95 क्रॉस जरूर करेंगे। तो बस इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे अपनी रेगुलर स्टडीज वीडियो में। ऑल द बेस्ट।